बहुत ऐसे लोग जो है कि जो हमसे सवाल कर रहे हैं कि कौन ऐसा काम सीखें कि जिसमें अच्छा खासा सैलरी हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत छोटा वीडियो बनाया था, जिसमें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया था कि अगर आपके पास कोई अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोग हमेशा एक लेबर कैटेगरी में काम करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो वो लोग स्टील फिक्सर, कारपेंटर, मेसन और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब काम में वो लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद उन लोगों का जो सैलरी लगता है 1000 से लेकर 1500 के बीच में लगता है, तो फिर उन लोगों का खर्चा पानी भी अच्छा से नहीं चल पाता है, जो लोग टारगेट सोचते हैं वो पूरा जल्दी नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोगों के पास भी अच्छा खासा क्वालिफिकेशन नहीं है, ना आपके पास कोई डिप्लोमा है, ना डिग्री है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिंदगी भर एक लेबर कैटेगरी में ही काम करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि हम अच्छा सैलरी उठा सके, हम लाखों कमा सके एक महीने के अंदर, तो बिल्कुल आप लोग कमा सकते हैं। कुछ ऐसा काम है कि जो मैं बताने वाला हूँ वो दिमाग में आप लोग अपना रख लीजिएगा। ये काम अगर आप लोग सीख लेते हैं, सीखने के बाद जब भी आप लोग गल्फ मुल्क में आते हैं, तो यहाँ आने के बाद जब आपका यहाँ पे लाइसेंस बन जाएगा, उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसका TUV कार्ड बन जाएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हैं। महीने का नहीं कमाएंगे, नहीं बचाएंगे, तो लाखों रुपये तक आप लोग आसानी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला लोगों की मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, दोस्तों ये मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जो आपको यहाँ पे नजर आता है, ये मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जो होते हैं अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे कमाते हैं ये लोग। और मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में भी बहुत तरह का मोबाइल क्रेन है, जिसमें इसमें होता है छोटा मोबाइल क्रेन भी होता है, बड़ा मोबाइल क्रेन भी होता है। अगर आप लोग बड़ा मोबाइल क्रेन ऑपरेटिंग करना जान जाते हैं और यहाँ पे गल्फ मुल्क में जब आप लोग आते हैं, यहाँ आने के बाद अगर यहाँ का लाइसेंस बन जाता है, यहाँ का TUV कार्ड बन जाता है, तो आप लोग लाखों रुपये कमा सकते हैं। कोई अगर आपके जान पहचान के आदमी है जो इंडिया में कहीं काम कर रहा है, जो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर का भी काम कर रहा है, तो उससे आप लोग बात कीजिए, उसके असिस्टेंट में लग जाइए, तो वहाँ उसके साथ में थोड़ा सा साथ में रहते रहते जो जैसे लोग सीख लेते हैं, तो उस तरह सीख लीजिए। बिल्कुल टाइम लगेगा, 4 महीने 6 महीने साल भर लगेगा, लेकिन जब आप सीख लेंगे उसके बाद से पासपोर्ट बनाकर आप ट्राई कीजिए गल्फ मुल्क में आने के लिए। पहले दफ़ा जब आएंगे तो थोड़ा सा कम सैलरी आपको बिल्कुल लग सकता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद लाइसेंस बनेगा, उसके बाद TUV कार्ड बनेगा, तो उसके बाद जब आप अपना कंपनी को चेंज करेंगे या कंपनी आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट करेगा, तो आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मोबाइल क्रेन ऑपरेटिंग का सैलरी आप गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, या जो लोग भी गल्फ मुल्क में काम करते हैं उनसे आप लोग पूछ भी सकते हैं कि भाई जो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर है उनका सैलरी कितना होता होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो जाए शेयर कीजिएगा। और आप किस कैटेगरी का काम सीखना चाहते हैं, कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं, उसका क्या यहाँ पर डिमांड है, ये अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। और अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा, जो लोग भी डिप्लोमा करते हैं, चाहे वो सिविल से करें या मैकेनिकल से करें, या सेफ्टी रिलेटेड कोर्स करते हैं, या लैंड सर्वे के कोर्स करते हैं, और भी बहुत तरह का ड्राफ्टिंग वगैरह कोर्स होता है, उसका कैसा डिमांड है, कैसा सैलरी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।